अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हसीब अंजुम। आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यूएई के रेजिडेंट के लिए, वीज़ा होल्डर के लिए, वो लोग जो यूएई के अंदर हैं और अभी तक जिनके पास काम नहीं है। मेजर जनरल मोहम्मद अहमद कंपनी पे भी आई थिंक के 50,000 या 1,00,000 दिरहम का फाइन होता था। अब और वो बंदा जो कंपनी से इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाता था उस पर भी फाइन होता था और उसको भी जेल हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज किया जा रहा है। वो लोग जिनके पास एक कंपनी का वीज़ा होगा वो दूसरी कंपनी में काम ना होने की वजह से दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यूएई के रेजिडेंट के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं है और उनकी कंपनी के पास काम ना होने की वजह से वो बेरोज़गार हैं, उनको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही। तो इससे जो लोग यूएई में बेसिकली जिनकी जॉब्स ऑन रिस्क हैं उनको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी और किसी दूसरी कंपनी में वो जब तक हालात अच्छे नहीं होते काम कर सकेंगे। तो इससे दूसरी जो कंपनी है उनको भी सपोर्ट मिलेगी और जो रेजिडेंट हैं वीज़ा होल्डर या वर्कर हैं या लेबर हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। तो ये बेसिकली आज जो न्यूज़पेपर है गल्फ न्यूज़ और खलीज टाइम्स में ये खबर भी छपी है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है और इसमें कोई घपला नहीं है, हकीकत पे मबनी ये खबर है और ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिर आप सब लोग जो यूएई के रेजिडेंट हैं जिनकी कंपनीज के पास काम नहीं है वो इस सहूलत से, इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।